हवा में उड़ते सेना के एक हेलीकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। ऐसे में पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और हेलीकॉप्टर को एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। आसमान की ऊंचाइयां नापते सेना के एक हेलीकॉप्टर को अचानक क्या हुआ कि वो भोपाल की बैरसिया तहसील के डुंगरिया गांव के ऊपर उड़ने लगा। हेलीकॉप्टर अचानक नीचे आना शुरू हुआ और एक खेत में उतर गया। ये सेना के इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग थी। ये लैंडिंग डुंगरिया गांव के डैम के पास एक खेत में हुई। हेलीकॉप्टर में सेना के 6 जवान सवार थे जो सभी सुरक्षित हैं। कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण इसे इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार हेलीकॉप्टर गांव और डैम के आसपास चक्कर लगा रहा था और फिर खेत में उतरा। इस बारे में पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर के टेल रोटर में वाइब्रेशन होने लगा था जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की गई। टेल रोटर हेलीकॉप्टर के पिछले सिरे पर पाया जाता है और इसका प्राथमिक कार्य मुख्य रोटर द्वारा टॉर्क प्रभाव का प्रतिकार करना है। यदि टेल रोटर नहीं होता तो हेलीकॉप्टर मुख्य रोटर की विपरीत दिशा में घूमता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।